जादुई सोने और चांदी के बेड। कमलपुर नाम के एक गांव में आराध्या नाम की एक बहुत अच्छी और नेक दिल किस्म की लड़की रहती थी। वैसे तो आराध्या के पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी उनका मन बहुत साफ था, तो वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए गरीब होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करवा रखा था और डबल मेहनत करके स्कूल की फीस भरते थे। आराध्या के ही स्कूल में एक अनन्या नाम की लड़की पढ़ती थी। अनन्या बहुत घमंडी थी, उसके पिता स्कूल के प्रिंसिपल थे। आराध्या और अनन्या एक ही क्लास में पढ़ते थे। अनन्या कभी आराध्या से ठीक से बात नहीं करती थी, वो हमेशा उसको भला बुरा कहती रहती थी। आराध्या पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो किसी भी हालत में अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो हर साल टॉप करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनन्या पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पिता प्रिंसिपल थे, इस वजह से उसे हर साल पास कर दिया जाता था। अनन्या अपना प्रोजेक्ट और अपना होमवर्क कभी खुद नहीं बनाती थी। एक दिन अनन्या आराध्या से कहती है, सुनो आराध्या, तुम्हें तो पता ही है हमें कॉलेज में कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लेकिन मेरे पास इसके लिए जरा भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट तुम बना दो। लेकिन अनन्या, एक दिन में पूरी फाइल बनाना नामुमकिन है, और वैसे भी मुझे अपने दूसरे सब्जेक्ट के होमवर्क करने हैं, इसलिए मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगी। क्या कहा तुमने, तुम्हें पता भी है तुम किसको मना कर रही हो? मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। एक बार मैं कहकर तुम्हें इस स्कूल से निकलवा सकती हूँ, समझी? तुम मुझे ऐसी धमकियों क्यों दे रही हो, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है, तुमने मेरा प्रोजेक्ट बनाने से मना किया है ना, अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगी। अब तुम स्कूल आने के नाम से भी डरोगी, समझी? आराध्या अनन्या को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद आराध्या घर जाती है। आराध्या की माँ दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी, इसलिए स्कूल से घर जाकर घर का काम आराध्या को करना पड़ता था। घर का काम करने के बाद वो पढ़ाई करती थी और फिर शाम को फिर से अपनी माँ का खाना बनाने में हाथ बटाती थी। उस रात खाना खाकर आराध्या सो गई। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसे पता चला फर्स्ट पीरियड वाली टीचर आज नहीं आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हुए, परंतु आराध्या को इस बात की जरा भी खुशी नहीं हुई। दूसरी तरफ अनन्या को आराध्या को परेशान करने का मौका मिल गया। अनन्या अपने सीट से उठकर आराध्या के पास आई और बोली, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहकर अनन्या ने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और आराध्या से बोली, चलो अपना लंच निकालो। ये कैसी बदतमीजी है, मैं अपना लंच तुम्हें क्यों दूँ? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, फ्रेंड तुम इस लड़की का हाथ पकड़ लो। अनन्या के इतना कहने पर उसके सारे फ्रेंड्स आराध्या को पकड़ लेते हैं। फिर अनन्या आराध्या के बैग से लंच निकालती है और खाना देखकर कहती है, छी 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 छी, ये कितना गंदा खाना है, क्या तुम ये खाती हो? ऐसा खाना तो हम अपने घर के नौकरों को भी नहीं देते, वो भी रोजाना बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं, गरीब कहीं की। इतना कहकर अनन्या आराध्या का लंच कूड़ेदान में डाल देती है। आराध्या को इस बात से बहुत दुख होता है, वो पूरा दिन कुछ नहीं खा पाती। जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। उसे ये देखकर और भी ज्यादा बुरा लगता है। हे भगवान, आप सारे दुख गरीब लोगों को ही क्यों देते हो? मेरे पापा कितने बीमार हो गए हैं, हमारा घर पापा की वजह से ही तो चलता है, मम्मी अकेले कितना कर पाएगी और अब मैं स्कूल की फीस कैसे भर पाऊंगी? जल्दी से मेरे पापा की सेहत ठीक कर दो भगवान। दिन प्रतिदिन आराध्या के पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। आराध्या ने 2 महीने से अपने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी, इस वजह से अब उसे स्कूल के प्रिंसिपल से रोजाना डांट पड़ने लगी। एक दिन क्लासरूम में, आराध्या तुम अभी के अभी क्लास से बाहर हो जाओ, तुमने 2 महीने से क्लास फीस नहीं भरी है। जब तक तुम फीस नहीं भर देती तब तक तुम बाहर रोजाना खड़ी रहोगी और एक भी क्लास नहीं लोगी। इतना कहकर प्रिंसिपल सर चले जाते हैं
उनके जाते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगती है। बेचारी गरीब लड़की, आज तो इसको मेरे पापा से भी डांट पड़ गई। पता नहीं लोग जब इतने गरीब होते हैं तो महंगे स्कूल में जाते ही क्यों है पढ़ने के लिए। और आराध्या, तुम्हें तो सरकारी स्कूल में होना चाहिए, वैसे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता होगा, तुम्हें तो सबके सामने बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। आराध्या अनन्या की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप उठकर ग्राउंड में चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद आराध्या घर आती है। वो देखती है कि उसके पिता उसी हालत में चारपाई पर पड़े हुए हैं और माँ उनकी सेवा करने में लगी है। अपने घर की ऐसी हालत देखकर आराध्या अपने माँ पिता से स्कूल फीस के बारे में कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, अनन्या सही कह रही थी, मुझे अभी स्कूल छोड़ देना चाहिए और सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लेना चाहिए। अब तो आराध्या के साथ रोजाना यही सब होने लगा था। वो स्कूल जाती थी और प्रिंसिपल उसको डांटकर ग्राउंड में खड़ा कर देते थे और अनन्या अपने दोस्तों के साथ आकर उसका मजाक बनाती थी। आराध्या इन सब से अब उब चुकी थी। उस दिन भी स्कूल खत्म होने के बाद वो उदास होकर घर आती है। घर आते ही वो देखती है कि उसके पापा जमीन पर लेटे हुए हैं और कुछ लोग घर से सारा सामान उठा उठा कर ले जा रहे हैं। आराध्या तुरंत अपनी माँ से पूछती है, माँ ये सब लोग कौन है और ये हमारे घर का सामान उठा कर क्यों ले जा रहे हैं? बेटी ये हमारे मकान मालिक के आदमी हैं। हमने 2 महीने से उनको किराया नहीं दिया, इसलिए वो हमारे घर का सामान उठा कर ले गए। सामान बेचकर वो किराया वसूल करेंगे। उन्होंने कहा है अगर हमने अगले महीने का किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। आराध्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ जमीन ठंडा होने के कारण उसके पिता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही थी। आराध्या के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पापा के लिए दवाइयाँ ला सके। जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं हो जाते मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और कोई काम ढूंढकर काम करूंगी। आराध्या अब स्कूल जाना छोड़कर इधर उधर काम ढूंढने लगती है, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसको कहीं काम नहीं मिलता। वो पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती और शाम को घर आकर भूखे पेट ही सो जाती थी। इसी तरह 1 महीना और बीत गया। इस बार मकान मालिक आया और उसने गुस्से में कहा, तुम लोग अब मेरा घर खाली कर दो। तुम लोगों से मेरा किराया नहीं दिया जाता है और मैं मुफ्त में तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैंने ये मकान किसी और को किराए पर दे दिया है। अभी आधे घंटे के अंदर इस मकान को खाली कर दो, समझे? आराध्या की माँ मकान मालिक से बहुत मिन्नतें करती है कि वो उन्हें कुछ दिन की मोहलत और दे दे, परंतु मकान मालिक नहीं मानता और उनको घर से निकाल देता है। आराध्या की माँ अपनी बेटी और अपने बीमार पति को लेकर सड़क पर बैठ जाती है। उनके पास अब न ही कुछ खाने को था और न रहने की जगह। उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। माँ अब हम क्या करेंगे? भगवान ने तो हर तरफ से हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए। अब हमारे पास भुखमरी से मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है बेटी, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। वो हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। माँ लगता है पिताजी को प्यास लगी है, मैं जंगल वाली नदी से थोड़ा पानी ले आती हूँ। आराध्या जंगल वाली नदी से पानी लेने चली जाती है। जब वो बोतल में पानी भर रही थी तब उसका मन बहुत विचलित हो रहा था, तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जलपरी प्रकट होती है और कहती है, क्या बात है लड़की, तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप कौन हो? मैं एक जलपरी हूँ। मेरा आधा शरीर इंसानों की तरह होता है और आधा मछलियों की तरह। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? आराध्या जलपरी को सारी परेशानी बताती है कि किस तरह वो लोग सड़क पर आ गए और किस तरह अनन्या ने स्कूल में उसका मजाक बनाया। आराध्या तुम्हें जितने दुख देखने थे तुमने देख लिए, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं तुम्हें 2 तोहफे देती हूँ। इतना कहकर जलपरी एक चांदी और एक सोने का बैट प्रकट करती है और कहती है, ये चांदी और सोने का बैट तुम्हारे लिए। ये दोनों ही बैट जादुई हैं।
चांदी के बेड पर तुम अपने पिताजी को सुला देना, उनकी सेहत बिल्कुल सही हो जाएगी। और सोने के बेड से तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो, पैसा, घर, गाड़ी, कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन जलपरी, इतने भारे भारे बेड मैं लेकर कैसे जाऊं? मैंने कहा था ना, ये बेड जादुई है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ और आँख बंद करके इन दोनों बेड को याद करना, ये वहाँ प्रकट हो जाएंगे। आराध्या जलपरी का धन्यवाद करती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। सबसे पहले वो अपने पिताजी को पानी पिलाती है, उसके बाद जलपरी द्वारा कही गई सारी बातें वो अपनी माँ को बताती है और साथ में आंखें बंद करके चांदी और सोने का बेड वहाँ प्रकट करती है। उसके बाद आराध्या चांदी के बेड पर अपनी माँ की मदद से अपने पिता को सुला देती है। उसके ऐसा करते ही उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आराध्या सोने के बेड से अपने लिए घर मांगती है और बहुत सारा पैसा मांगती है। फिर वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं और आराध्या वापस से स्कूल जाना शुरू कर देती है। लेकिन अब आराध्या अमीर हो चुकी थी, उसने तो स्कूल में एडवांस फीस भी जमा करवा दी थी और खूब मन लगाकर पढ़ती थी। अब तो अनन्या भी उसे कुछ नहीं कह पाती थी। इस प्रकार आराध्या अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई सुनहरी फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में समीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। समीरा के पिता मजदूरी कर समीरा को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे समीरा का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। समीरा और राधा की क्लास में एक लड़का रोहित भी पढ़ता था। रोहित दिखने में बहुत मनमोहक था। रोहित को हमेशा से ही समीरा का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात राधा को बहुत बुरी लगती थी। वो समीरा की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है समीरा, कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती, और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू रोहित। स्कूल में सभी बच्चे नए नए वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन समीरा के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम, तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है, जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और समीरा, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है, जो कि मुझे पूरे एक महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल? समीरा सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी, तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे भी नया हेयर क्लिप दिला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही समीरा हमेशा अपनी माँ से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था, वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं राधा, मेरी माँ ने हाँ कहा है, तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ रोहित आता है। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने वाली थी रोहित। लेकिन क्यों? भूल गए? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगी और बहुत सुंदर फ्रॉक खरीदी है। क्यों नहीं आऊँगा? बिल्कुल आऊँगा। समीरा, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने समीरा को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन मैं इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि रोहित की नज़र मुझ पर से हटेगी ही नहीं। फिर वो समीरा क्या चीज़ है?
वहाँ अपने घर समीरा सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर फ्रॉक ही नहीं है, मैं क्या पहनकर राधा के जन्मदिन में जाऊंगी। ये सोचती हुई समीरा अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी मुझे राधा के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छी फ्रॉक नहीं है, आप मेरे लिए फ्रॉक ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा, मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक फ्रॉक भी नहीं दिला सकते। बेटी मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर समीरा अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को समीरा की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक फ्रॉक बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर समीरा के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बनाती है, लेकिन वो फ्रॉक बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये फ्रॉक रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर समीरा के कमरे में फ्रॉक रख देती है। उस समय समीरा जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद समीरा फौरन उठकर वो फ्रॉक देखती है। क्या मैं ये गंदी सी फ्रॉक पहनकर राधा के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस फ्रॉक को अपने हाथों से बनाया है। समीरा उस फ्रॉक को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई फ्रॉक की कद्र करती थी, इसलिए वो फ्रॉक को अपने सिरहाने रखकर चिसक चिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वी लोक की सैर करने निकली थी। वो परी समीरा के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी समीरा की माँ की बनाई हुई फ्रॉक को सुनहरी फ्रॉक में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन समीरा दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई फ्रॉक को देखती है, लेकिन फ्रॉक देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो फ्रॉक अब एक सुनहरी फ्रॉक में बदल चुकी थी। समीरा जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी समीरा के हाथ में सुनहरी फ्रॉक देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस फ्रॉक को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतनी सुंदर सुनहरी फ्रॉक लेकर आए, मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस सुनहरी फ्रॉक को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही फ्रॉक वहाँ रखी थी, लेकिन सुबह उठने के बाद वो फ्रॉक सुनहरी फ्रॉक में बदल गई। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा, बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद समीरा वो फ्रॉक पहनकर राधा की बर्थडे पार्टी में जाती है। समीरा जैसे ही राधा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नज़र समीरा पर ही टिकी होती है, क्योंकि समीरा बहुत ही सुंदर लग रही थी। रोहित भी समीरा को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो समीरा, ये फ्रॉक तुम पर बहुत जच रही है, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो समीरा को कहती है, कहाँ से मांग कर लाई तुम्हारे माता पिता ये सुनहरी फ्रॉक, क्योंकि इतनी महंगी फ्रॉक तुम लोगों के खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो राधा, तुम्हें कैसे कह सकती हो। ये बोलती हुई समीरा रोती हुई अपने घर चली जाती है और समीरा को मनाने के लिए रोहित भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। समीरा रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते,
हम भी बहुत अमीर होते, फिर मुझे राधा के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब तुम चुप भी हो जाओ। उसके बाद समीरा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद समीरा देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पे मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। समीरा मन में सोचती है, लगता है ये फ्रॉक जादुई है, क्योंकि मैंने आते समय रोहित से कहा था कि मेरे पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया मेरी प्यारी फ्रॉक। उसके बाद से समीरा के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया।